Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। क्या होता है इंटरनेट, इंटरनेट की परिभाषा क्या होती है, इंटरनेट का काम क्या होता है और इंटरनेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये मैं आज इस वीडियो में पूरा कवर करवाऊंगा। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपको अच्छी मदद मिल सके। देखिए दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट, देखिए आपको याद रखना है। मैं आज तुम्हें इसी टॉपिक को कवर करवाने जा रहा हूं। इंटरनेट क्या होता है, देखो अगर बात हम करें इंटरनेट की, सबसे पहले आपको याद रखना है यह सूचना का सुपर हाईवे होता है। यानी आप कह सकते हो कि इंटरनेट को आप क्या कह सकते हो, सूचना का सुपर हाईवे कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर मलेश की बहुत तेज गति से कोई भी मलेश की आप सर्च कर सकते हो। आप जो भी मलेश की इसके ऊपर खोजना चाहते हो वो कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने होगा उसका रिजल्ट, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इंटरनेट एक सूचना का सुपर हाईवे होता है, यानी इंफॉर्मेशन के लिए मलेश की ये सबसे बेस्ट है। अगर ये मलेश की आपको भी सर्च करना चाहते हो तो वो आपको मलेश की कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने उसका रिजल्ट देता है ना। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट को हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जा सकता है। क्यों क्यों, देखो आपको याद रखना है, आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हो लेकिन आपको याद रखना है कि आपके मोबाइल के अंदर डेटा पैक है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट का पैक आपने किया हुआ है। लेकिन अगर आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, अगर आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या आप इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आपको याद रखना है कि इंटरनेट पूरी तरह से नेटवर्क के ऊपर निर्भर होता है और यह नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जा सकता है इसे, यानी सबसे बड़ा नेटवर्क इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा जब आपको याद रखना है, इंटरनेट होता है यह दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। देखिए ये भी आपको याद रखना है कि इंटरनेट होता है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वैश्विक टाइप्स का मतलब जो काम होता है, जो व्यापार टाइप्स का काम होता है, वो पूरी तरह से मतलब आज के टाइम में देखा जाए तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। ये भी आपको याद रखना है, यानी जो इंटरनेट होता है ये इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है, व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क आप कह सकते हो। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए आपको ये भी याद रखना है, कि इंटरनेट होता है, इंटरनेट के माध्यम से आज आप बहुत सारा कार्य करते हैं। आप स्वयं भी जानते हो कि आज के टाइम में इंटरनेट हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन चुका है। क्यों? क्योंकि बिना इंटरनेट के आप किसी भी समस्या का मतलब सही ढंग से सॉल्व नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आपके सामने थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंटरनेट के जरिए, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए आप उस जो भी प्रॉब्लम आती है आपके सामने उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। आपको कोई मतलब इसकी स्टडी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप आसानी से गूगल के अंदर जाकर मतलब आप उसकी उसका मतलब हल निकाल सकते हो।
आप मतलब इसकी किसी भी प्रकार की इसकी आपको जानकारी चाहिए तो आप YouTube के माध्यम से कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये जो भी ऑप्शंस होते हैं, वेब ब्राउजर की बात की जाए, सर्च इंजन की बात की जाए, ये सारे के सारे किसके ऊपर निर्भर है, इंटरनेट के ऊपर तो निर्भर है। इसलिए आप कह सकते हो कि इंटरनेट आज हमारे मतलब इसके जीवन का एक मुख्य अंग बन चुका है। अब देखिए आपको याद रखना है कि ये तो बात हमने की है इंटरनेट के बारे में, देखिए आपको याद रखना है कि इंटरनेट किस टाइप से मतलब होता है। देखो आपको याद रखना है, मतलब ये आपको याद रखना है नेटवर्क का, नेटवर्क इसको बोलेंगे। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन भी देता, देखो इसकी मान के चलिए ये कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर होता है, इन एक कंप्यूटर से मतलब इसकी बहुत सारे कंप्यूटर मतलब इसके आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये कंप्यूटर आपकी अलग अलग इंफॉर्मेशन की जो भी होती है मतलब इसकी रिजल्ट होती है, आपका जो निर्देश होता है अलग अलग टाइप्स का, उस निर्देश का मतलब इसकी ये आपको मतलब इसकी उसका रिजल्ट मतलब इसकी निकाल के आपके सामने शो करवाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मतलब इसकी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई वैश्विक नेटवर्क होता है, कोई राजनीतिक संबंधी मतलब इसकी जानकारी देता है, कोई मतलब इसकी आपको मतलब इसकी विश्वविद्यालय संबंधी देता है। यानी कहने का मतलब इसकी सभी कंप्यूटर अलग अलग जानकारी अपने अंदर रखते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है तो ये मतलब इसकी जिसके रिलेटेड मतलब इसकी जानकारी है वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट होता है ये मतलब इसकी एक नेटवर्कों का जाल होता है, ये एक नेटवर्कों का जाल होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप कहीं से भी कोई भी मतलब इसकी आप विषय के बारे में कोई मतलब इसकी सर्च करना चाहो तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट वहां पे मतलब इसकी आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि अब आप अगर मतलब इसके इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हो तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपके पास में मतलब इसकी एक ISP होना चाहिए। ISP इंटरनेट के अंदर ISP एक मुख्य ऑप्शन है, आपको याद रखना है। एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो ISP का पहली बात तो आपको याद रखना है, ISP का पूरा नाम क्या है आपको याद रखना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको याद रखना है। नहीं आप मतलब मान के चलिए आपके मोबाइल के अंदर ही काम कर रहे हो, अगर आपके मोबाइल के अंदर आप इसके इंटरनेट का उपयोग करते हो तो आपके मोबाइल के अंदर ISP क्या होगा, जिस माध्यम से आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट का उपयोग करते हो। जैसे अगर आप आपके मोबाइल के अंदर मतलब इसकी सिम कार्ड की बात करें, एयरटेल की सिम कार्ड यूज करते हो, यानी एयरटेल के माध्यम से आप अगर मतलब इसकी इंटरनेट चला रहे हो तो आपके मोबाइल का ISP क्या होगा, एयरटेल होगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर मतलब इसके आप वोडाफोन की, जियो की, कोई भी मतलब इसकी किसी भी नेटवर्क के माध्यम से आप मतलब इसकी डेटा यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका मतलब इसकी जो भी ISP होगा वो होगा। कैसे, जैसे अगर आप जियो का कर रहे हो तो जियो आपका क्या कहलाएगा, ISP कहलाएगा, क्योंकि आप जियो के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी किन माध्यम से आप इंटरनेट तक जुड़ सकते हो, है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, यानी आप किस माध्यम से मतलब इसके आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप क्या करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन डालता हूं इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर, आपको याद रखना है, एक होता है मॉडेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉडेम का कार्य क्या होता है, यानी मॉडेम मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है, यानी इसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हो, ये एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का डिवाइस है। आपको याद रखना है, पहली बात आपको याद रखना है मॉडेम होता है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ये इसका पूरा नाम होता है, किसका, मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या करता है देखो आपको याद रखना है, यानी ये एनालॉग सिग्नल, यानी आपके कंप्यूटर में आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करना इसका मुख्य कार्य होता है। एनालॉग सिग्नल को किसमें बदलता है, ये डिजिटल में परिवर्तित करता है, ये आपको याद रखना है।
मॉडेम का सबसे मुख्य कार्य एनालॉग सिग्नल यानी बाहर से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। किसका कार्य होता है? मॉडेम का कार्य होता है। मॉडेम के टाइप्स में यहाँ पे लिख देता हूं। एक मॉडेम का टाइप्स होता है इंटरनल मॉडेम। एक दूसरा टाइप्स होता है इसका एक्सटर्नल मॉडेम। और एक इसका तीसरा टाइप्स होता है पीसी कार्ड मॉडेम। यानी ये आपको याद रखना है, मैंने जो भी टाइप्स यहाँ पे लिखा है ये मॉडेम्स के प्रकार है, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और पीसी कार्ड मॉडेम। याद रखना है, मतलब तीन टाइप्स होते हैं मॉडेम के, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और पीसी कार्ड मॉडेम। ये तीनों में से टाइप्स आप याद रखना, ये मॉडेम के प्रकार है। मॉडेम का पूरा नाम पूछा जाए एग्जाम में तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का कार्य पूछा जाए तो ये बाहर से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मॉडेम होता है यह सबसे तेज गति का, यानी सबसे इसकी जो गति होती है स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर। लेकिन इसके अलावा मॉडेम के अलावा आपको यह भी याद रखना है, एक होता है डायल अप होता है। क्या होता है? डायल अप कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर इसकी ये भी एक कनेक्शन का प्रकार है, आपको याद रखना है। नाम क्या है इसका? डायलअप। डायलअप एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है। आपको यह भी याद रखना है कि यह सबसे धीमा प्रकार होता है, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, ये आपको याद रखना है। यानी ये आपको याद रखना है, नॉर्मल आज के टाइम में इसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन आपको याद रखना है इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर डायलअप भी एक इसका प्रकार है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है वाईफाई भी होता है। वाईफाई तो आज के टाइम में आप हर को भी उपयोग करते हो। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। यानी वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। और ये मतलब इसकी बिना वायर के मतलब इसकी एक दूसरे कनेक्शन को एक दूसरे मतलब इसकी डिवाइस को कनेक्ट करने में आपकी सहायता करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? वाईफाई। यानी बिना वायर का मतलब इसकी एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो और भी अन्य टाइप्स होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर, जैसे आपको याद रखना है केबल होता है। केबल ये भी मतलब इसके आपको याद रखना है, केबल भी एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो। ज्यादा ये समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही नॉर्मल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है या कौन सा एक प्रकार है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि उपग्रह भी होता है, सैटेलाइट कह सकते हैं, यानी ये मतलब इसकी जो अंतरिक्ष में इसकी जो सूचना होती है इंफॉर्मेशन होती है वो उनके माध्यम से मतलब इसकी हम पा सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आपको ये भी याद रखना है कि मतलब इसकी मोबाइल के अंदर भी मतलब इसकी ऑप्शंस होते हैं, यानी मोबाइल भी एक मतलब इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर उपयोग में आता है। आपको याद रखना है आज के टाइम में मोबाइल के अंदर भी हम उपयोग करते हो, 3G है, 4G है, यानी 3G 4G ये आपको याद रखना है कि जैसे अभी 5G भी चल रहा है, आपको याद रखना है कि 3G 4G 5G इसमें G का क्या मतलब होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास में इसकी 3G इंटरनेट कनेक्शन है, 4G इंटरनेट कनेक्शन, इस G का पूरा नाम क्या होता है? यानी G का मतलब होता है जनरेशन। जी का पूरा नाम क्या होता है? जनरेशन होता है। यानी इस जी का मतलब यह होता है कि इंटरनेट की 100वीं पीढ़ी, अगर 5G है तो इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी, ये आपको याद रखना है ना। देखिए यहां तक आप लिखिए क्योंकि ये मनुष्य आपको इंटरनेट वाले टॉपिक में काफी अच्छी मदद करेगा, ठीक है, तो आप टाइप करो और मैं बताता हूं आपको। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन में देखो आपको याद रखना एक ऑप्शन होता है DSL। क्या होता है? DSL। DSL एक किसका प्रकार है? केबल का प्रकार है। DSL ये भी केबल का प्रकार है जो मतलब इसकी ISP और मॉडेम के मध्यस्थता का कार्य करती है। ये केबल यानी जो बाहर से एनालॉग सिग्नल लाने का कार्य होता है मॉडेम तक, वो बाहर से एनालॉग सिग्नल का मतलब इसकी मॉडेम तक लाने का कार्य वो किसका होता है? DSL का होता है। DSL का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का पूरा नाम एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन किसका पूरा नाम होता है? DSL का पूरा नाम होता है।
ये भी आपको याद रखना। ये केबल मिल इसकी क्या कार्य करती है, जो बाहर से एनालॉग सिग्नल लाने का कार्य होता है मॉडेम तक, वो इसी केबल का होता है। देखिए दोस्तों, यहां तक हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स को भी पढ़ा है। इसके अलावा ये भी आप याद रखना कि ये हमने कॉलेबल कनेक्टिविटी का टाइप्स पढ़ा है। आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो वीडियो किसके बारे में बनाएंगे, यानी इंटरनेट का उपयोग किन माध्यम से हो रहा है, जैसे कि वेब ब्राउजर कौन कौन से होता है, सर्च इंजन कौन कौन से होता है, वेबसाइट के ऊपर कैसे कार्य करना है, ये मैं इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये मतलब इसकी आज का हमारा वीडियो यहाँ तक ही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मतलब इसकी और भी आने वाले जो मोस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके, बेल आइकन पर क्लिक करें। आज का ये टॉपिक था हमारा इंटरनेट के टाइप्स है, या फिर इंटरनेट का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, आज के टाइम पे इंटरनेट क्या है, ये वीडियो आपको कंप्यूटर संख्या में अच्छी मदद करेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।